सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे और हमारे चैनल से आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो जो है दिखते रहे। ट्रांस इंस्टीट्यूट आलमगीर में आपका स्वागत है। हम मोहब्बती सर आज आपको पढ़ा रहे हैं टेली क्लास। टेली प्राइम क्लास में आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे मेमोरेंडम वाउचर अर्थात मेमोस वाउचर का एंट्री करते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर जो होता है वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है और इसकी एंट्री जो होती है वो किसी भी अकाउंट पर प्रभाव नहीं डालती है और इसमें हम जो एंट्री करते हैं वो किसी लेजर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है और उसको पोस्ट नहीं किया जाता है। बस इसका प्रयोग हम मेमो रजिस्टर बनाने के लिए करते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर जो होता है हमारा, इसको मेमो नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है और ये अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन नॉन अकाउंटिंग बोला जाता है। अब इसकी जो एंट्री होती है किसी कोई प्रभाव नहीं डालता है, हम जो भी एंट्री करेंगे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी एंट्री पे। ये होता है इसका सिर्फ हम प्रयोग करते हैं मेमो रजिस्टर बनाने के लिए। और जैसे हमारा एग्जांपल है यहाँ पे 1/4/22 को हमने पेमेंट किया कैश मोहन को 8,000 रुपये, 2/4/22 को हमने रिसीव किया कैश संजय से 40,000 रुपये और 3/4/22 को हमने सेल किया है सुमित को 6,000 रुपये का। तो ये हमारे तीन एग्जांपल, इसकी एंट्री हम करेंगे मेमोरेंडम वाउचर में। तो हमने लेजर बना लिया है मोहन का सनी डेबिटर, कैश का कैश इन हैंड में, संजय का सनी डेबिटर में, सेल का सेल अकाउंट में और सुमित का सनी डेबिटर में। अब हम जो है हम ये एंट्री जब करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के जो बाकी एंट्री होंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी एंट्री करने के लिए जो है टैली प्राइम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टैली प्राइम यहाँ पे है, इसको हमने पहले स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने यहाँ मेमोज नाम का एक वाउचर बना चुके हैं। अब इसमें हम एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पहले आएंगे और यहाँ से पहले चल के हम मास्टर बनाएंगे। मास्टर में हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे। तो हम यहाँ लेजर बनाएंगे। हमारे लिस्ट में देख रहे हैं हमारा लेजर जो है मोहन का, कैश का, संजय का, सेल का और सुमित का है। तो हम यहाँ मोहन लिखेंगे। मोहन जो है सेंडरी डेप्टर है, यहाँ डेप्टर ले लेंगे, इसे ऑप्शन नो करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हमारा जो है कैश है, कैश का बना रहता है, संजय का बनाएंगे। संजय हमारा सिंडिकेटर है, सिंडिकेटर यहाँ भी सब ऑप्शन नो करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा जो है सेल का और सुमित का है, तो हम सेल का बनाएंगे, सेल को हम सेल में रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और सुमित, सुमित का हम रखेंगे सेंडरी डेप्टर में, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे सब लेजर बन चुके हैं, इसको हम बैक करके आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। और गेटवे ऑफ टैली में हम आ करके यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाएंगे, यहाँ से लेजर पे आ जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल एच चेंज व्यू और यहाँ लेजर व्यू सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। हमारा कैश लेजर है, कैश इन हैंड में, मोहन का सैलरी डेप्टर में, प्रॉफिट लॉस का प्राइमरी में, सेल का सेल अकाउंट में, संजय का सैलरी क्रेडिटर में, सुमित का सैलरी डेप्टर में। हमारा लेजर से बन चुका है जो हम यहाँ से मिला लेंगे लेजर हमारा। ये हमारा 5 लेजर है, मोहन का, कैश का, संजय का, सेल का और सुमित का। वो लेजर हमारा यहाँ बन चुका है। एक प्रॉफिट लॉस का एक्स्ट्रा होता है जो पहले से बना रहता है, कैश का बना रहता है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ जाएंगे वाउचर में। वाउचर में हम आ जाएंगे यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स पे। यहाँ से हम शो इन एक्टिव पे आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा मेमोरेंडम दिखाई देगा जो इनएक्टिव है, हाईलाइट नहीं है, इस पर इंटर करेंगे और यहाँ से हम एक्टिव करने के लिए यस करेंगे। हमारा मेमोरेंडम वाउचर देखेंगे यहाँ पे लिख के आ गया, मतलब ये एक्टिव हो गया। यहाँ डेबिट में हम एंट्री करेंगे। पहला हमने मोहन को जो है कैश पेमेंट किया है, हमारा एग्जाम्पल है 8,000 रुपये और यहाँ पे हम ले लेंगे कैश। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया एंट्री। दूसरा एंट्री हमारा है कि हमने जो है रिसीव किया है कैश 40,000 रुपये संजय से, तो हम यहाँ ले लेंगे कैश 40,000 रुपये और यहाँ हम ले लेंगे संजय
ये हमारा नरसन हो गया, एंटर का कैसे कर लेंगे। तीसरा एंट्री है कि हमने जो है सामान बेचा है 6000 रुपये का सुमित को, यहाँ ले लेंगे सुमित 6000 रुपये, और यहाँ ले लेंगे हम सेल, इंटर इंटर। सुमित ये हमारी एंट्री हो गई। तो मेमोरेंडम बात हमने जो एंट्री किया है, 3 एंट्री है, इसको देखने के लिए जो है हम आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, उसके बाद यहाँ आएंगे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट पे, उसके बाद यहाँ हम जाएंगे मेमोरेंडम रजिस्टर में। तब यहाँ पे हम इंटर करेंगे अप्रैल लेकर के जिस महीने में किए हैं, तो इस महीने हमने जो है 3 एंट्री किया देख सकते हैं यहाँ पे। किसी को प्रिंट करना होगा तो उस पर चढ़ करके हम इंटर करेंगे, ये दिखाई देगा, इसे प्रिंट करेंगे अल्ट पी और या कंट्रोल पी डाइट कर देंगे, और देखने के लिए प्रीव्यू करेंगे, चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और प्रिंट करेंगे, देखने के लिए प्रीव्यू करेंगे, अपडेट करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा हमारा, इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम डेबुक पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ पे एंट्री भी दिख रहा है, डेबुक में देख सकते हैं, और वहाँ से आ जाएंगे हम प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस देखें कोई एंट्री नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो है किसी भी लेजर पे प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई देगा, बस इसका जो है रजिस्टर बनाने के लिए होता है। स्टॉक समरी में आएंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा हमारा, और प्रॉफिट लॉस में आएंगे प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई देगा हमारा कुछ, और बैलेंस शीट में आएंगे हम तो बैलेंस शीट में भी देखिए हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कभी नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। मैंने 3 एंट्री किया ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और हमारा सिर्फ जो एंट्री किया डेबिट में देख सकते हैं, और बाकी हम देखने के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आएंगे, और यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट पर आएंगे, और यहाँ से हम मेमो रजिस्टर पे आकर के जो हमारा रजिस्टर बना है इसको हम देख सकते हैं किस महीने का बना है, उस महीने को सेट करके इंटर करेंगे, और यहाँ से हम देख सकते हैं डिटेल करना तो अल्ट फोन करके हम देख सकते हैं। तो हमारा मेमो वाउचर का जो एंट्री हो गया, ये एंट्री जो है आप लोग लेजर बना के सही से कर लेंगे, और हमारे मेमोरेंडम वाउचर आपको कैसा लगा है इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे नए वीडियो जानकारी हमारे चैनल जुड़े रहिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, नई जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।